सहारनपुर पुलिस का लगातार ऑपरेशन क्लीन जारी है, जिसमें देर रात थाना बेहट पुलिस की लंढौरा चौकी के पास चेकिंग के दौरान मानकपुर रजवाए के पुलिया के पास बाइक सवार बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। जवाबी फायरिंग में पुलिस द्वारा 25,000 का इनामी बदमाश घायल हो गया, जबकि अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से उसका साथी भागने में कामयाब रहा। हालांकि पुलिस के द्वारा घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। वहीं एसपी देहात अशोक कुमार मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि देर रात जनता रोड पर मानकपुर के पास चेकिंग के दौरान बाइक सवार दो व्यक्ति आ रहे थे, जिनको रुकने का इशारा किया गया तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसमें जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया। 5-6 की रात को करीब 1 बजे जनता रोड पर मानकपुर के पास में दौरान चेकिंग जो अभियान चल रहा था, उसी दौरान अपाचे मोटरसाइकिल पर दो व्यक्ति थे जिनको रोकने का प्रयास किया गया, जो रुके नहीं और पुलिस के ऊपर जिन्होंने फायर किया। पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ फायर किया, जिसमें एक अभियुक्त अनिल पुत्र महेंद्र, जो कि लखनौती कोतवाली देहात का रहने वाला है, उसके पाँव में गोली लगी थी। और ये इनके पास से एक अपाचे मोटरसाइकिल, एक अदद तमंचा और घोड़ा कारतूस बरामद हुए थे। और ये जो अनिल पुत्र महेंद्र है, ये इसके ऊपर करीब 19 मुकदमे हैं। साथ ही साथ ये बेहट चिलकाना और गंगों से वांछित भी चल रहा था, और ये शातिर किस्म का लुटेरा है, जिसने पहले भी कहीं लूट की हुई है, और लगातार हमारी टीम इस पर लगी हुई थी, और बेहट और एसओजी की कंबाइंड टीम के द्वारा ये ऑपरेशन किया गया। इसी ने बताया कि इसका अन्य साथी जो विक्की इसके साथ था, वो अंधेरा का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। पुलिस को बदमाशों के कब्जे से एक मोटरसाइकिल, एक अवैध तमंचा 12 बोर और 3 खोखा जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। गिरफ्तार अभियुक्त बहुत ही शातिर किस्म का चोर है, जिसके ऊपर कई थानों में 19 मुकदमे दर्ज हैं। वहीं फरार बदमाश की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए सहारनपुर से राम कुमार पुंडीर की रिपोर्ट।